मेरा नाम करुणा है और मैं भी एक ICDS डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइज़र हूँ। और यहाँ पर जितनी भी हमारी सारी सुपरवाइज़र बहनें बैठी हैं, ये सरकार से यही मांग करती हैं कि हमें नौकरी से ना हटाया जाए। हमें बोल दिया गया है कि हमें हमारी नौकरी से हटा दिया जाएगा और 64 लोगों को हटा भी दिया गया है। उन्होंने 4 दिन पहले नोटिस भेजा है, मोबाइल पर मैसेज आया है कि आप योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017। ये हमें नोटिस मिला, इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया गया। जो भी 64 लोगों को निकाला गया है, हम सब लोगों की ये मांग है कि उन 64 लोगों को वापस लिया जाए। और जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी इस डिपार्टमेंट में काट दी है, इस डिपार्टमेंट में लोगों की सेवा की है, ये सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, और यहाँ पर जो इतनी महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, इन महिलाओं को सड़क पर लाया जा रहा है, उसे रोका जाए और इस चीज़ को वापस लिया जाए। अब यहाँ पे अगर किसी को नौकरी से निकालते हैं, उनके लिए तो उनके नए लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के नौकरी से निकालने पे जिनके परिवार नहीं चलेंगे, उनका क्या होगा? ये हमारे डिपार्टमेंट, हमारी दिल्ली सरकार या हमारी केंद्र सरकार जो भी इस पे कुछ कर सकती है, प्लीज़ इस पे आपसे आग्रह है कि इस पे कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाए। हमारे यहाँ पर लोगों के परिवार नहीं चल रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा टेंशन में हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक विशाल नाम के लड़के ने आत्महत्या की कोशिश की, उसे बहुत मुश्किल से बचाया गया। हमारे डिपार्टमेंट में आकर किसी ने एक बार पूछा भी नहीं कि ये इसका क्या हुआ, इसको कैसे हुआ। और इतने साल इस डिपार्टमेंट में काम करने के बाद एकदम से ऐसे हम लोगों को लात मार के निकाल दिया जाता है। रही दिल्ली सरकार की बात, हम अन्ना हजारे जी के टाइम से इस दिल्ली सरकार के साथ हैं। हम लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी आएगी, ये अच्छी सरकार आएगी, ये हम लोगों को परमानेंट करेगी, हमारा कुछ अच्छा करेगी। लेकिन इनके जितने भी MLAs हैं, हम लोगों के घरों में, हमारी वर्कर्स के घरों में हम लोगों ने इनकी मीटिंग ली। हम इनके शुरुआत से, जब ये पार्टी बनी भी नहीं थी तब से हम लोग इनके साथ हैं। लेकिन जब ये पार्टी भी, इस पार्टी ने भी वही किया जो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जब ये भी सत्ता में आई तो इसने भी हम लोगों को ही जड़ से उखाड़ फेंका, आम जनता को ही जड़ से उखाड़ रही है और नए लोग लेकर आ रही है। जिन लोगों ने अपनी 40-40, 50-50 साल की उम्र में है, जो 7-7 साल से, 8-8 साल से, 20-20 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आज उन लोगों को इस डिपार्टमेंट से हटाया जा रहा है। एक बार भी ये नहीं सोचा जा रहा, ना हमारे डिपार्टमेंट में सोच रहे हैं, ना दिल्ली सरकार सोच रही है, और ना ही कोई और हायर अथॉरिटीज़। हम गवर्नर जी के पास भी गए थे, LG के पास भी गए थे, कोई ये नहीं सोच रहा है कि इनके परिवार का क्या होगा। कई कितने परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ इसी आय पर टिके हुए हैं। तो मेरी बार बार ये आग्रह है और यही बार बार हम लोग सब यही कहते हैं कि हमें परमानेंट करो। आपने ये वादा किया था कि हमारे लिए हमें लोगों को परमानेंट किया जाएगा, हमारे अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन कहाँ हैं? हम आज भी वहीं बैठे हुए हैं। हम लोगों को कब परमानेंट करेंगे? हम आज भी वहीं बैठे हुए हैं। अगर आपको सुपरवाइजर ना रखकर आपको अगर वर्कर के रूप में रखा जाए तो क्या आप काम करेंगे? जिस दिन हमारे डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मैम सुपरवाइजर लेवल पर आकर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी, उस दिन हमारी जितनी ये सुपरवाइजर्स हैं ये सब वर्कर बनके तैयार हो जाएंगे।